नमस्कार, आप देख रहे हैं पुल पर पोस्ट और मैं रोज गुप्ता। विधानसभा 2023 का चुनाव नजदीक होते ही पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है स्थानांतरण आदेश जारी कर दिया गया, जिसमें कि 6 नगर निरीक्षकों का स्थानांतरण किया गया है, जिसमें कि अमीलिया थाना अंतर्गत जो है अनूपपुर से ट्रांसफर होकर आए नगर निरीक्षक अशोक बैस जी का ट्रांसफर हुआ, जिस पर हमारे द्वारा हमारी टीम के द्वारा जो है उनसे चर्चा की गई और विषय पर जाना गया कि आपके प्रति जो है अमीलिया थाना अंतर्गत आपका स्थानांतरण हुआ है, आपका क्या संदेश होगा। आइए हम आपको सुनाते हैं कि जब हमने उनसे सवाल पूछा तो उनके द्वारा क्या कहा गया। सर, स्वागत है आपका अमीलिया थाने में। सर, इससे पहले सर आप कहाँ पोस्टेड थे और क्या है सर बैकग्राउंड? मैं इससे पहले अनूपपुर जिले में पोस्टेड था और मैं 2007 में पुलिस सेवा में आया हूँ और करीब इससे पहले 5 जिलों में मेरी सर्विस हो चुकी है। ये 6वां जिला है जहाँ पे मैं सेवा के लिए आया हूँ। सर, अमीलिया ग्राम पंचायतों के लिए कानून व्यवस्था के लिए क्या निर्देश रहेगा? बिल्कुल, हम अपने स्टाफ के साथ मिलकर कानून व्यवस्था की स्थिति और अपराधों की रोकथाम में पूरी क्षमता के साथ कार्य करके और अच्छी पुलिसिंग देने का प्रयास करेंगे। सर, नया थाना पड़ेगा, नया क्षेत्रफल पड़ेगा, सर तो गतिविधियाँ क्या रहेंगी, उसके लिए क्या गाइडलाइंस रहेंगे? नया क्षेत्र है, इसके लिए हम लोग लगातार घूम कर और यहाँ किस तरह के अपराध होते हैं, कैसी समस्याएं हैं, उनका पूरा अध्ययन करके उनका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। आपने सुना कि नगर निरीक्षक के द्वारा क्या कहा गया, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए जो पहल की जाएगी, क्योंकि नया क्षेत्र है, नया क्षेत्र के साथ में पूरी गतिविधियों पर ध्यान दिया जाएगा, असामाजिक तत्वों पर बिल्कुल निगरानी रखी जाएगी, साथ ही अवैध धंधा करने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और वैधानिक कार्यवाही की जाएगी, ऐसा नगर निरीक्षक के द्वारा बताया गया। अब ये होगा कि क्षेत्र नया है, नया क्षेत्र में किस प्रकार की गतिविधियाँ होती है, हर थाना प्रभारियों के लिए चुनौती बनी होती है और हम आगे देखने का यह प्रयास करेंगे कि नगर निरीक्षक के द्वारा किस प्रकार से आगे कार्यवाही की जाती है। जिले से मैं राजीव गुप्ता, कैमरामैन राज भवन के साथ।